पृच्छति पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः शान्तः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं? जो है आपको कार्य वर्ग का वर्णन कर दिया है ना। आत्मा और अनात्मा इन द्विविध पदार्थ में अनात्मा का जो कार्य वर्ग है, अनात्मा में माया और माया का कार्य, तो कार्य तो बतला दिया है। अब कारण बतलाते कि कारण क्या है। कार्य कहाँ से बतलाना आरंभ किया था? विषय, शरीर, स्त्री पुत्रादि, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और उसके समस्त जो अवयव है, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, प्राण, अंतःकरण, सूक्ष्म महाभूत, अविद्या, काम, कर्म आदि का जो है वो बतला दिया है। तो कार्य तो बतला दिया माया का। अब माया जो कारण है उसका निरूपण करते हैं। कार्य, कार्य, कारण, कार्य वर्ग, ये सब का सब क्या है? अनात्मा है। और जो आत्मा है ना वो किसी का कारण है ना वो किसी का कार्य है। कारणता भी आत्मा में नहीं आती है, वो तो केवल एक उसकी उपस्थिति मात्र, इतनी ही कारणता है। उपस्थिति मात्र ही कारणता है, अन्यथा उसमें कोई कारणता का भी संभावना नहीं बनती है। और कार्य तो वो किसी का है ही नहीं, ना कारण है और ना कार्य है। कार्य कारण से रहित है आत्मा अपनी। तो ऐसे ही भासने लग जाता है, जैसे जो रस्सी है ना, तो वो सर्प का कारण ही है और ना कार्य ही है, वो तो अधिष्ठान मात्र है। तो उसकी उस रज्जु रूप अधिष्ठान में क्या है? अज्ञान से सर्प भासता है। तो उसका जो कारण है, उपादान कारण, वो क्या है? अज्ञान है। वैसे ये जो माया है ना, यही इस जगत का उपादान कारण है माया। और ब्रह्म, ब्रह्म को तो निमित्त कारण मान लिया जाता है। ब्रह्म जो आत्मा है उसको निमित्त कारण कहा जाता है कि उसकी क्या है? सत्ता, उसकी उपस्थिति मात्र से। तो इस प्रकार से ये जो माया है यही कारण है, इस जगत का कारण यदि ढूंढना हो तो क्या है? वो माया है। और माया ही ब्रह्म के ईश्वर पने में कारण है, और माया ही इस ब्रह्म के जीव पने में भी कारण है। क्या? माया, अज्ञान। तो अब इसका स्वरूप समझ लो, क्योंकि ये सारी महिमा किसकी हो गई? माया की हो गई ना, कि माया के कारण जगत, माया से ही स्वर्ग नरक, माया से ही ईश्वर, माया से ही जीव, माया से ही शुभाशुभ कर्म और उनका जो फल पाप पुण्य, और ये सब कुछ जो है इन सब का कारण माया है और कुछ नहीं है। ऐसा है कि जैसे आप स्वस्थ खा पी करके
तृप्त होकर संतुष्ट होकर के सो जाते हैं और स्वप्न में अपने आप को दरिद्र और भूखा और अत्यंत रुग्ण अपने आप को अनुभव करते हैं, हैं? और वो माया हटी तो फिर क्या देखते हैं, ना तो मेरे को भूख ही है, ना कोई दरिद्रता ही है और ना शरीर में कोई रोग ही। तो वैसे ही उस जो शुद्ध ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म में चेतन में माया से ये सारा जगत दृश्य जीवपना सब भासना, माया से अनहुए ही भासना। रस्सी में सर्प तीनों कालों में कभी है ही नहीं, वो सर्प कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है, उस सर्प का कोई माता पिता ही नहीं है, वो केवल अज्ञान से ही उसकी उस उत्पत्ति, उसकी स्थिति और उसका नाश। तो वैसे ही ये जो जगत है बहुत बड़ी समस्या है, बहुत झंझट झगड़े, लोग सब जिसको देखो वही परेशान, जिसको देखो वही दुखी, कोई शरीर से दुखी, कोई मन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी, कोई धन से, कोई पद से, कोई वर्षा से, कोई धूप से, कोई सर्दी से, कोई गर्मी से, कोई भूख से, कोई प्यास से, जिसको देखो वही दुखी दुखी है ना। तो ये जो दुख है अपनी आत्मा में, जो कि आनंद स्वरूप है, तो अज्ञान से आरोपित कर लिया है। तो ये सारी जो भी ये समस्या है, इतना बड़ा जगत और यहाँ पर जन्म मृत्यु और स्वर्ग नरक और पाप पुण्य और धर्म अधर्म और दुख और विपत्ति और क्लेश और भय और चिंता और शोक और कष्ट और पीड़ा, इन सब का जो कारण है वो केवल अज्ञान है, केवल माया है। तो इसलिए माया की ये सारी महिमा जो दिख रही है, माया की ये सारी महिमा उस ब्रह्म के ही आश्रित है, ब्रह्म में कल्पित माया से ही सारा दृश्य भास रहा है। और माया जो है, आगे बतलाएंगे, ये कोई है नहीं, कार्य से अनुमान किया जाता है, क्योंकि दिख रहा है भाई जैसे धुआं उठ रहा है, इसका मतलब आग होगी है ना, इसका मतलब क्या है, आग होगी। और यदि वो भाप जैसा उठ रहा है, जल से नमी उठ रही है, कहीं पर पक्षी चहचा रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है, जलाशय है, है सरोवर भरा हुआ, दिख नहीं रहा है। तो वैसे ये माया भी है, ये ना तो है, ना ये दिखती है, ना ये पकड़ में आती। लेकिन क्या होता क्या है कि एक ये जो जगत दिख रहा है, इसका कोई ना कोई कारण होगा। तो फिर समझ में आता है कि भाई ब्रह्म में जगत की संभावना नहीं, ब्रह्म में जगत की संभावना, तो ब्रह्म इस जगत का कारण है ना कार्य है। यदि कारण मानेंगे ब्रह्म को तो भी गड़बड़ हो जाएगी, तो इसका मतलब ब्रह्म व्यापक नहीं है। कार्य कारण वही तो बनता है जो व्यापक ना हो, जो परिछिन्न है उसमें ही कारण कार्यता बनती है, और ब्रह्म तो व्यापक है, तो व्यापक में कारण कार्यता नहीं बन सकती। तो ब्रह्म कारण भी नहीं और कार्य भी नहीं है इस जगत का। तो इस जगत का कारण क्या है, तो कहते हैं इस जगत का कारण है माया। तो कार्य से ही कारण का अनुमान किया जाता है, हैं? जैसे कोई आदमी मोटा तगड़ा है, कभी उसको आपने खाते पीते नहीं देखा है, लेकिन मोटा तगड़ा है तो सीधी सी बात है कि क्या है, हैं? इसकी तुलसीदास की तरह घी की कटोरी भर के खाता होगा, है ना। जैसे तुलसीदास जो है दोनों समय जो है घी की कटोरी भर भर करके लाता है और यूं हैं, है ना। तो वैसे ही, तो यदि कोई खाता पीता नहीं, देखा नहीं है, लेकिन मोटा ताजा दिख रहा है, इसका मतलब सीधा ही क्या है,
तो कार्य से कारण का अनुमान हो गया कि हाँ माल ताल खाता है। तो वैसे ही ये जगत रूपी कार्य सबको दिख रहा है, इसका कारण ब्रह्म हो नहीं सकता, परमात्मा हो नहीं सकता। तो परमात्मा की अभिन्न कल्पित अनादि शक्ति जो माया है वही इसका जगत का कारण है। तो ये सारा पसारा, सारा विस्तार और ये सारा का सारा जगत का जो कारण है वो कौन है? माया है। ये सारी माया की महिमा कहो, और यदि माया से तंग हो गई, क्या दुर्गति हो गई हमारी, अब हम माया से मुक्त होना चाहते, माया कार्य और माया से। जब तक कारण बना रहेगा तब तक कार्य बना रहेगा, है ना? जब तक कारण बना रहेगा तो कार्य जैसे किसी को भाव है और उसको कांटा लगा है, तो यदि पट्टी करते रहे तो घाव ठीक नहीं होगा ना। कारण पहले देखो, कारण क्या है, तो पीड़ा का कारण क्या है, तो कांटा है। तो वैसे ही इस कार्य में ही उलझ पुलझ रहता है, इसी को कभी छोड़ देता है, कभी पकड़ देता है, कभी कहते मैंने ये छोड़ दिया जी, कभी कहते मैंने ये पकड़ लिया जी, हैं। तो इस कार्य में ही उलझ पुलझ रहता है, लेकिन इस कार्य का कारण क्या है? अज्ञान माया। वो केवल न वो जगने से दूर होती, न वो स्वप्न देखने से दूर होती, न वो सोने से दूर होती, न वो खाने से दूर होती, न वो किसी प्रकाश आदि का ध्यान करने से दूर होती, न वो तीर्थ व्रत योग यज्ञ दान आदि से दूर होती। वो सब साधन है पात्रता बनाने के लिए। वो जो अज्ञान है, माया है, केवल ब्रह्म विद्या से ही दूर होती, केवल ब्रह्म विद्या से ही उसका निराश होता है, और को किसी चीज से भी उसका निराकरण नहीं होता। चाहे प्राणायाम करते रहो, पीछे बतलाया था ना, प्राणायाम सतेन वा, सैकड़ों प्राणायाम करते रहो, हैं, अनेकों श्रुतियों का, वेदों का पाठ करते रहो, लेकिन वस्तु की सिद्धि तो केवल किससे बतलाई है? विचारेणा, विचार से, ज्ञान से, इस ब्रह्म विद्या से ही ये माया का आवरण भंग हो जाएगा। जैसे अंधकार जो है ना लाठी से भागता, ना तलवार से जाता है, और ना लड्डू से, ना मिठाई से, और किसी चीज़ से अंधकार नहीं जाता, जाता है किससे? केवल प्रकाश। केवल प्रकाश होते अंधकार, वैसे ये जो माया है अविद्या, कितना ही धूप करो, दीप करो, माला करो, माला पहनो, तिलक लगाओ, वो सब साधन है, ठीक है ना, वो सब अपने चित्त को संसार से हटाने के और एकाग्र करने के और उसको निर्मल करने के साधन है। लेकिन ये जो अविद्या है ये तो केवल ब्रह्म विद्या से ही हटती है और इसका कोई साधन नहीं है। तो ये सारी महिमा सारे किसकी है? माया की है। जिसने इस माया से क्या है, मोहे सकल नर नारी प्रभो थारी माया है अपरंपार, है योगी जति सती सब मोहे, मोहे लटा धारी, ऐसे करके आती है वाणी, है प्रभो थारी माया है अपरंपार। गीता जी में भी है, मम माया दुरत्यया, मेरी माया का अतिक्रमण करना अत्यंत कठिन है। मेरी माया अर्थात मुझ चेतन के आश्रित, मुझ चेतन में कल्पित, मुझ चेतन को ही ढकने वाली ये जो माया है, इसका अतिक्रमण करना सबके बस की बात नहीं, दुरत्यया अत्यंत कठिन, ऐसा बोला है। तो अब देख लो माया का स्वरूप समझ लो कि क्या है वो माया। माया सुने बड़े हम समझते थे कोई माया है, माया हम क्या समझते थे कि माया का मतलब कोई स्त्री महिला है ना, तो हम सोचते थे कि भगवान के पास एक होगी कोई काली कलूटी भयंकर है, और वो जो है ना, वो भगवान जो है दुष्टों के ऊपर कहता होगा कि चल
हैं, और इन सब दुष्टों को सबको मोहित कर दे। हम सोचते थे बड़ी निर्दयी होगी, बड़ी कुटिल होगी, राक्षसी होगी, अत्यंत दुष्टा होगी, होगी कोई माया है ना, तो हम सोचते थे इन भगवान को पकड़ेंगे हैं, हनुमान जी को भजेंगे या शिव जी को भजेंगे है ना, तो वे फिर क्या है अपनी गोद में ले लेंगे, अपने पास में बैठा लेंगे, तो फिर वो माया कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, और यही मुक्ति है। तो ऐसा हम लोग जब बाल्यावस्था में ऐसा सोचा करते थे कि माया तो है भाई कोई है, और ऐसे ही सोचते थे जैसे माइयाँ होती है, है कि ऐसे ही जो है धोती वोती पहन करके हैं होंगी कोई ढींग जैसी लंबी तकड़ी भयानक, हाँ तो ऐसी माया है और यों सबको मोहित कर लेती है। कहते ना कि माया ने मोहित कर लिया है, बोलते ना कि ठगनी क्या नैना झमकावे तेरे हाथ कबीर नहीं आवे। तो कहते कोई माया हम सुना करते थे कि माया, कहते भाई सबको फंसा लिया, सैकड़ों फंदे हैं उसके पास, हजारों फंदे हैं, किसी ने किसी में है, किसी को मोह से, किसी को काम से, किसी को क्रोध से, किसी को लोभ, किसी को मोह, किसी को अहंकार, किसी को मेरा पराया, किसी को राग द्वेष, किसी को कुटिलता, किसी को चोरी, किसी को हिंसा। मैंने कहा बहुत माया के पास क्या है, बहुत फंदे हैं, हैं तो यों आदमी के गले में यों फंदा फेंक देती है, और यों आदमी की गला जो है फंदे में, हाँ तो ऐसे सब जो है माया ने पकड़ पकड़ के बैठाए हुए, ऐसा हम सोचते थे है ना। तो माया जो है ऐसी ही माया का स्वरूप समझते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ लो कि माया क्या है, ना किसी स्त्री का नाम माया है, हैं और न कोई वो आकार वाली है, और ना उसका कथन भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये बात जरूर है ज्ञान से नष्ट हो जाती है। और दूसरा कार्य है, इस कारण से उसका का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है कार्य के कारण से। तो देखो जी अब समझ लो, माया 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 बचपन से सुनते आए ना है, कथाओं में दो पत्नी है भगवान की, हाँ एक भक्ति एक माया, पत्नी बताना है, हाँ रिद्धि सिद्धि की तरह। तो माया जो है सुनते हैं ना कि भाई माया है, तो सुनते आए माया को समझ लो, बड़ा सुना है माया का नाम, माया सिर्फ अज्ञान है। हाँ तो अब देखो क्या बतलाएंगे, 110वां श्लोक। अव्यक्त नामनि परमेश शक्ते रनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत् सर्वमिदं प्रसूयते। अव्यक्त नाम्नि परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिकः परा कार्यानुमेया सुधिया एव माया यया जगत सर्वं इदं प्रसूयते। देखो जी क्या कहते हैं, अव्यक्त नामनि, अव्यक्त नाम वाली क्या है, अव्यक्त भी उसको कहते हैं, अव्यक्त माने जो व्यक्त नहीं, अभी तक आपने जो सुना कार्य सबका सब क्या है, व्यक्त है, सबका सब क्या है, विषय व्यक्त, शरीर व्यक्त, सूक्ष्म शरीर व्यक्त, प्राण व्यक्त, सब कुछ क्या है, व्यक्त है ना, लेकिन ये क्या है, अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है।
तो कार्य सारा व्यक्त है और ये जो माया है ये क्या है? अव्यक्त है। इसीलिए इसका नाम एक नाम कहा जाता है, माया कह दो या अव्यक्त कह, क्या कह दो? अव्यक्त। तो अव्यक्त प्रसंग के अनुसार देखा जाता है, ब्रह्म के लिए भी अव्यक्त शब्द आएगा, लेकिन यदि जगत के कारण रूप से देखेंगे तो अव्यक्त किसके लिए है? माया। तो माया का नाम हो गया अव्यक्त नाम वाली परमेश शक्ति, परमेश्वर की जो शक्ति, परमेश्वर की जो शक्ति है। देखो ऐसा है, मैंने काफ़ी अभी आपको बता दिया है कि माया जो है वो हमें क्यों स्वीकार करनी पड़ती है। एक तो माया को यदि ब्रह्म से परमात्मा से अलग मानेंगे तो दो हो गई, द्वैत सिद्ध हो गया, है ना? यदि परमात्मा से अलग माया को मानेंगे तो द्वैत सिद्ध हो जाएगा, है? तो फिर क्या हुआ, वो व्यापक नहीं होगा। दूसरी बात, न माने तो भी नहीं चल सकता है, मानना तो पड़ेगा ही समझाने के लिए, क्योंकि जगत दिख रहा है, ये दृश्य दिख रहा है। इसलिए परमात्मा की क्या मानते, इसको अभिन्न शक्ति मानते। क्या मानते हैं? अभिन्न शक्ति। जैसे अपने जो शक्ति जो है वो स्वतंत्र नहीं रहती, शक्ति किसी न किसी के आश्रित रहती है। जैसे हमारे शरीर की जो शक्ति है वो किसके आश्रित है? शरीर के आश्रित है ना। तो किसी को यदि कहा जाए कि भाई ये बाल्टी यहाँ से उठा के वहाँ रख दे, तो वो ये कहे यदि कि भाई ऐसा है, मैं अपनी शक्ति अपने घर रखाया और अभी तो मैं उठा नहीं पाऊँगा, तो मैं अपनी शक्ति ले करके आता। तो ऐसा है, शक्ति जो है वो किसी न किसी के क्या है, आश्रित रहती है, स्वतंत्र नहीं रहती है, स्वतंत्र रह ही नहीं सकती। तो वैसी ये भी क्या है, ये भी शक्ति है, माया भी शक्ति है। तो किसके आश्रित रहती है? परमात्मा के आश्रित। लेकिन ऐसी शक्ति भी नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, परमात्मा के आश्रित है लेकिन कल्पित है। कल्पित क्यों है? क्योंकि इसकी हमने कल्पना करनी पड़ी। अज्ञानियों को, जिज्ञासुओं को समझाने के लिए क्या करना पड़ा है, इसकी कल्पना करनी पड़ी है। अन्यथा यदि तत्व दृष्टि से देखे तो परमात्मा से भिन्न या परमात्मा में कल्पित भी माया नाम की कोई शक्ति नहीं। लेकिन जो अज्ञानी संसारी जीव बिचारे बंधन में फंसे हुए हैं, उनको तो संसार भी दिख रहा है, अपना जीवपना भी भासता है और आसक्ति भी होती है, तो उनको समझाने के लिए ये व्यवस्था हम देते हैं कि माया परमात्मा की शक्ति, अन्यथा परमात्मा की जो कोई शक्ति नहीं है। ब्रह्म जो है वो तो सदचिद आनंद स्वरूप चिन्ह मात्र है। तो ये शक्ति जो माया मानी गई है तो ये तो कल्पित है। कल्पित जानते हो ना, मान लो चेला गया गुरुजी के पास, कहने लगा गुरुजी माया से बहुत दुखी, किसी तरह इस माया से पार हो जाऊं, गुरुजी माया मेरे को पकड़ा दो, बता दो जिससे कि मैं इसको छोड़ के बाहर निकल जाऊं। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, माया को तेरे को दिखाएंगे और तू माया से पार हो जाएगा। माया को देखना है ना, तो सत्संग सुनता है सुनता है। जब तक अज्ञान था तब तक माया से घिरा हुआ था, ज्ञान हुआ तो माया को ढूंढता फिरता रहता, माया कहाँ गई है? जैसे अंधेरा, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता है, या अंधेरा लाइट लेके आओ अंधेरे को देखेंगे, प्रकाश लेके आओ क्या करेंगे, सुबह हो जाने दो अंधेरे को देखेंगे। अब आप एक बात बताओ, सुबह होते अंधेरा गायब, और जब प्रकाश नहीं होता तब, और प्रकाश के आते ही
तो वैसे ये जो माया है ना, जब तक अज्ञान है तब तक है, और ज्ञान का सूर्य उदय होते ही ढूंढते फिरो इसे माया को, माया कहीं मिलने वाली ढूंढते फिर जाओ कहीं पर, ऐसी है ये माया है। तो है ही नहीं, केवल क्या होती है, हाँ ये तो अज्ञानियों को ऐसे ही भासती रहती है। तो व्यवस्था दे दी है कि परमेश शक्ति ही, परमात्मा की क्या है ये शक्ति, कल्पित है, अव्यक्त नाम वाली, अनादि, और क्या है कि महाराज इसका कभी आदि हुआ हो, कब उत्पन्न हुई थी ये, तो कहते हैं अनादि, लेकिन अंत हो जाता है। माया अनादि है लेकिन शांत है, और ब्रह्म भी अनादि है लेकिन क्या है, अंतरहित है। ब्रह्म क्या है, अनादि अनंत, और माया क्या है, अनादि शांत। अनादि है माया लेकिन अंत हो जाता है, और जो ब्रह्म है वो क्या है, अनादि है और अंत शून्य। तो इसलिए कहते अनादि अविद्या, क्या है जो विद्या रूप नहीं है, अविद्या रूप है, अज्ञान रूप है, त्रिगुणात्मिका परा, और जो त्रिगुणात्मिका है, सत्व रज तम, जो तीन गुण है ना, इन तीन गुणों का वाली त्रिगुणात्मक उसका स्वरूप है, ऐसी परा जो शक्ति है परमात्मा की, अव्यक्त नाम वाली, उसको क्या कहते हैं, माया, क्या कहते हैं उसको, माया कहते हैं। तो अब आप ये दो प्रकार की जो शक्ति है ना, परा और अपरा, गीता जी में भी आया था और सातवें अध्याय में आया है क्या, हाँ सातवें अध्याय में आया है, जो चौथे और पांचवें श्लोक में। तो ये जो दो प्रकार की बतलाई है प्रकृति जो है माया, कितने प्रकार की, परा और अपरा। तो अपरा तो आपको बतला दिया, अपरा माने जो थोड़ा सा तुच्छ है, सीमित है, तो वो बता दिया कार्य। अभी तक आपको जो बताया कि पंच सूक्ष्म महाभूत, उनकी तन मात्राएं, और उनसे ही क्या हुआ, सूक्ष्म शरीर, प्राण, अंतःकरण आदि उत्पन्न हुए, स्थूल शरीर हुआ, दृश्य वर्ग हुआ, ये अपरा प्रकृति है। गीता जी बताई थी अष्टधा, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारा इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा, आठ प्रकार की जो है प्रकृति बतलाई थी, अपरा प्रकृति आठ प्रकार की, भूमि वही पांच महाभूत हो जाएंगे सूक्ष्म महाभूत, भूमि आपह और अग्नि वायु और आकाश, ये क्या हो गए, पांच तो ये हो गए, और मनः, मन हो गया, क्या हो गया मन, जिसको समष्टि अहंकार कहेंगे, बुद्धि, बुद्धि को क्या कहेंगे, महातत्व कहेंगे, बुद्धि को क्या कहेंगे, महातत्व कहेंगे, और जो कार्य रूप जो प्रकृति, खम मनो बुद्धि रेवचा, मन बुद्धि गड़बड़ तो नहीं हुआ, और अहंकार, तीन हो गए ना, मन बुद्धि अहंकार, तीन ये हुए, पांच सूक्ष्म महाभूत हुए, आठ हो गए ना। तो ये आठ प्रकार की क्या बतलाई थी, ये अपरा प्रकृति बतलाई, अपरा, और ये क्या है, परा, परा और अपरा दो प्रकार की प्रकृति बतलाई है, समझ आया, हाँ अब बुढ़ापे में तो ऐसे ही आएगा। हाँ पांच सूक्ष्म महाभूत हो गए, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, और फिर हो गया मन बुद्धि और अहंकार, लेकिन मन से यहाँ पर लेंगे समष्टि जो अहंकार है उसको लेंगे, और बुद्धि से लेंगे
जो महातत्व है, और अहंकार से लेंगे वो जो वो कार्य रूप जो प्रकृति है। समझ आया? तो ये आठ जो है ये तो हो गई अपरा प्रकृति, और परा प्रकृति के लिए आया है वहां पर अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम है। ये तो भाई अपरा हुई, लेकिन इससे अलग मेरी परा प्रकृति को जानो। क्या है वो? जीव भूतां महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। जो जीव स्वरूप, जो क्या है जीव स्वरूप, जो मेरी परा प्रकृति है जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत धारण किया, तो वो मेरी क्या है? परा प्रकृति। तो उस परा प्रकृति को बतला रहे हैं इसको बता रहे हैं परा प्रकृति। परा ही तो कारण है, परा कारण है का उसकी अपरा की भी। परा प्रकृति और अपरा माने जो कार्यवर्ग, कारण और कार्य बताया ना मैंने, कारण माया और माया का कार्य, इसी को कह देंगे परा और अपरा। ठीक है, इस तरह। और इसको ऐसे भी कह देंगे कि जैसे 13वें अध्याय में गीता में बताया है कि ये जितना भी जो दृश्य वर्ग है ये तो सब आ जाएगा क्षेत्र में। वहां पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा है। हाँ, शास्त्रों के जो अब स्वाध्याय करने से तो पता होता है, पता लगता है कितना कितना विस्तार है। तो 13वें अध्याय में इसको क्या बोला है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र बतला दिया है, शरीर से लेकर के जो भी है वो सब का सब क्षेत्र है, और इसको जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ जीव है, इसको जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ जीव है, तो वहाँ पर इसको क्या बोला है? चेतन रूप है। जीव क्या है? तो चेतन है। और ये जो बाकी है ये सब क्या है? ये सब जड़ है, ये सब क्षेत्र जड़ है, और इस क्षेत्र को जानने वाला तो चेतन ही होगा। जानने वाला क्या होता है? चेतन होता है। तो वहाँ पर इस प्रकार से इसका कथन किया है, इस जीव रूप जो प्रकृति है, परा प्रकृति, परा और अपरा। तो देखो जी आगे देखो, कार्यानुमेय, कार्य से ही इसका अनुमान किया जाता है, कार्य से ही अनुमान किया जाता है कि हाँ किसी के दूध लेकर के आ रहे हैं, मक्खन भी ला करके रख दिया, दही भी ला करके रख दी, दूध की खोया की बनाई हुई मिठाई भी रख दी, अनुमान होता है कि इनके दूध अच्छा हो रहा है। इससे क्या अनुमान होता है? हैं? मक्खन हो, मावा हो, मावा की मिठाइयाँ हो, खोया की मिठाई, दूध के गिलास भर भर करके आ रहे हैं, तो उससे क्या अनुमान होता है? दूध अच्छा हो रहा है, हैं? गायों की कृपा हो रही है कि गाय माता जो है प्रसन्न है। प्रसन्न है तभी तो दूध भर भर के देगी, और अप्रसन्न होगी तो फिर दूध देगी क्या? तो लात देगी। क्या देगी? हाँ, लात देगी। तो वैसे ही ये जो माया है ना, ये क्या है? कार्य से ही इसका अनुमान होता है। तो कार्य क्या है? जगत। ये सारा का सारा जितना भी जगत है ये सब माया का कार्य है। तो जगत है इसका मतलब कोई है माया, कोई इसका कारण है। अब कारण ढूंढो तो कहते हैं कारण परमात्मा है। स्थूल दृष्टि से देखे तो परमात्मा ही है। स्थूल दृष्टि से देखे तो क्या है? जैसे कोई आदमी हो है? और उसकी घरवाली, और घरवाली हो लड़ाका। लड़ाका जानते हो आप लोग? नहीं जानते हैं? है? घरवाली लड़ाका हो। अब आदमी जो है बेचारा, अब वो पड़ोसी के साथ झगड़ा कराई, घरवाली जो है पड़ोसी के साथ क्या कराई? झगड़ा कराई। आदमी का कोई रोल नहीं है, लेकिन वो जो पड़ोसी है वो कहेंगे अरे भाई ये जो हमारा पड़ोसी है ना राम सिंह है, ये हमारे साथ लड़ाई करता है भाई,
जबकि वो कोई लड़ाई कर रहा है क्या? उसने कोई लड़ाई नहीं की, घरवाली से लड़ाई, लड़ने कौन गई? वो घरवाली गई, माया गई ना लड़ाका। तो क्या कहेंगे कि राम सिंह हमारे से लड़ता है? तो वैसी स्थिति है, सब कहते परमात्मा जगत का कारण है, परमात्मा से सृष्टि हुई, परमात्मा ने जीव को जो है भटकने के लिए छोड़ दिया, परमात्मा ने जीव को बंधन में डाल दिया। ऐसा सब लोग जो है दोष देते रहते किसको? परमात्मा को। लेकिन परमात्मा कुछ नहीं करता है, उसकी जो घरवाली है ना ये करती है सब कुछ, माया और अज्ञान जी। हाँ, एक ही बात है। तो अब दूसरा, अब परमात्मा कहाँ और माया कहाँ? दोनों आपके पास, दोनों कहाँ हैं? ये जो चेतन है ये तो परमात्मा है, और आपका जो अज्ञान है, अविवेक है, वही क्या है? वही माया है। तो इसलिए परमात्मा को दोष देते रहो, किसी परमात्मा को दोष देते रहो तो दोष तो सब स्वयं का है। इसलिए अपनी बुद्धि सुधारो। क्या है? सुधार कहते हैं ना, सुधार आंदोलन। तो अपनी बुद्धि को सुधार, अपने कर्म विचार चिंतन सत्संग संगति के द्वारा क्या कर लिया जाए? बुद्धि को सुधार, यही सबसे बड़ी चीज है। हाँ, तो ये जो माया है, तो ब्रह्म तो कुछ नहीं करता है, ब्रह्म जगत का कारण कह दिया जाता है, क्योंकि अब वो जो घरवाली उछल रही है वो किसके दम पे उछल रही है? वो घरवाली की जो इतना साहस हुआ कि वहाँ दूसरे के घर पे लड़ने गई, किसके दम पर? अपने पति के दम पर ना, हैं? किसके दम पर गई है? अपने पति के दम पर गई है। तो वैसे ही ब्रह्म के दम ब्रह्म का ही है, सत्ता किसकी है, अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म ही है। लेकिन ब्रह्म के आश्रित ये जो माया है ना, ये क्या कर रही है? उछल रही है। है कुछ नहीं, खुद में कोई शक्ति नहीं है, किसी ने जो हाथ लगा दिया तो गिर जाएगी, होता है ना। लेकिन ब्रह्म के आश्रित होकर के है ही नहीं, थोड़ा सा प्रकाश होते ही भाग जाती है, ज्ञान होते ही तो माया मिलती नहीं है। इतनी नाजुक भी है, इतनी नाजुक भी है, लेकिन बहुत कठोर भी है। कठोर इतनी है कि सारी दुनिया को मोहित किया हुआ है, और नाजुक इतनी है कि इस ब्रह्म विद्या को क्षण भर के लिए भी सहन नहीं करती। क्षण भर के लिए, एक क्षण, क्षण भी नहीं। जैसे अंधेरा है, सारे जगत को व्याप्त करके रहता है, लेकिन नाजुक भी इतना एक चिंगारी से, एक जो है माचिस की तिल्ली से ही इतना नाजुक भी है। अंधेरा है ना, अंधेरा कुछ है ही नहीं, अंधेरा कुछ होता नहीं है, प्रकाश का न होना ही अंधकार है। वैज्ञानिक काफ़ी खोज कर रहे हैं, हर चीज़ की खोज करते हैं ना, कि भाई अंधकार क्या है, ये भी कोई पार्टिकल होगा, ये भी कोई वस्तु होगा। तो वैज्ञानिकों ने बड़ी खोज कर ली, लेकिन और सारे में अंधेरे अंधेरा फैला हुआ है, प्रकाश तो थोड़ा ही है। सूर्य पृथ्वी पर इसकी प्रकाश की किरणें टकराती हैं, इसलिए यहाँ पर प्रकाश प्रकाश दिखता है, बाकी दो सब जगह क्या है? अंधेरे अंधेरा है। तो वैज्ञानिक बड़ी खोज कर रहे हैं कि ये अंधेरा क्या है, कोई ना कोई पार्टिकल होगा, कोई ना कोई तत्व होगा, लेकिन अब तक वैज्ञानिकों को कोई अंधेरा नाम की चीज मिली नहीं, क्योंकि अंधेरा कुछ होता ही नहीं है, अंधेरा केवल प्रकाश का न होना है। वैसे ये जो माया है ना, इसको भी सैकड़ों क्या करोड़ों सूर्य लेकर के घूमते फिर जाओ, ये माया मिलने वाली है नहीं, क्योंकि माया कुछ है ही नहीं। माया केवल क्या है? अपने आत्मा का बोध न होना, ज्ञान ज्ञान न होना, यही क्या है? यही माया। और माया कुछ भी नहीं, अज्ञान ही है। ज्ञान न हो, और अज्ञान क्या? अज्ञान भी कुछ नहीं है, ज्ञान न होना ही अज्ञान, ज्ञान का न होना ही न होना। और देख लो, सबको मोहित किया हुआ है, किया हुआ किसी ने नहीं है, अपने आप ही हुआ हुआ है ना।
जैसे बच्चे लोग चादर ओढ़ लेते हैं, रिजाई हैं डाल ली, अब फिर उसे निकलना मुश्किल हो जाता है। छोटे से बच्चे पर वो जो रिजाई ओढ़ी किसने थी, ये उड़ाई थी ब्रह्म ने, किसने उड़ाई थी हैं, और फिर उसके बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, नहीं हो जाता है बालक के लिए। तो वैसी स्थिति है कि स्वयं ही ओढ़ा, कहता महाराज बस ये त्रिवेणी घाट पर तमाशा हो रहा है, देख आता हूँ बस। अरे क्या करेगा तमाशा देख, कहते जी देख लूँगा दूर से, देखना है क्या फर्क पड़ता है। अब वहाँ गया तमाशा देखने, और फिर वही जो है वही धक्का मुक्की हो गई है, वहीं पर शत्रु मित्र बन गए, और वहीं पर जो है कोर्ट कचहरी हो गई, थाना वाना हो गया। अब बताओ कह क्या रहा था, बन गया ना पूरा तमाशा। अब कह महाराज वो जो लड़ाई झगड़ा हुआ था ना हमारा त्रिवेणी घाट पर, 10 साल में जाके अब पिंड छूटा, अब समझ होता हुआ। तो बताइए हैं, खुद ही तो गया था, तो खुद ही अपनी होशियारी का प्रदर्शन करता है, और ये जो होशियारी है इस होशियारी में ही तो मारा जाता है। और मारता कौन है इसको, मारता थोड़े ही है होशियारी में मार। अच्छा तो समझ लो यहीं पर कार्यानुमेया क्या है, ये कार्य से ही इसका अनुमान होता है। सुधिया एवा, जो सुधी लोग है ना बुद्धिमान लोग, तो इसको कहते हैं कि कार्यानुमेय, कि कार्य से ही इसका अनुमान, ऐसा बुद्धिमान जन कहते हैं। वैसे तो नहीं है, किसी को दिखाया भी नहीं जा सकता माया को पकड़ के, कि हम कोई कहे जी माया दिखाओ तो दिखाया नहीं जा सकता। लेकिन जो विवेकी लोग है, बुद्धिमान लोग है, जो तत्वज्ञ है, वो कहते हैं ये जो माया है ना कार्यानुमेय, कार्य से ही इसका अनुमान होता है। कार्य से ही तो पता लग जाता है ना कि बालक है, उसके संस्कारों से, उसके जो आचरण है उससे पता लग जाता है, उसके माता पिता का, परिवार का, ये कैसे परिवार, इसको कैसे संस्कार मिले हैं, कैसे परिवेश में ये बड़ा हुआ, पता लग जाता है, हैं? थोड़े से उससे ही, बैठने बैठने मात्र से, बोलने बोलने मात्र से पता लग जाता है, सारा कुछ जन्म कुंडली आ जाती है, सारी उसके जीवन भर की जन्म कुंडली आ जाती है, और पता लग जाता है कहाँ से आया है, कहाँ पर है और कहाँ जाएगा, ये भी पता लग जाता है। तो कहते हैं ना शायद धृतराष्ट्र को कहते हैं, युधिष्ठिर को कहते हैं, महाभारत में आता है कि इस जीव के 3 जन्मों का तो ज्ञान सबका हो जाता है। 3 जन्म, एक तो ये पता लग जाता है कहाँ से ये आया, किस शरीर से आया है, ये पता लग जाता है आदमी के स्वभाव से, और ये पता लग जाता है कि अभी है क्या, मतलब शरीर मनुष्य का है कुत्ता ही, आदत जैसी हो है ना, शरीर भले ही मनुष्य का है ये भी पता लग जाता है कि ये है क्या, और दूसरा ये भी पता लग जाता है जाएगा कहाँ, कि बिल्ली की योनि में जाएगा या सर्प की योनि में जाएगा या सिंह की योनि में जाएगा। 3 श्लोक मेरे ध्यान में आ रहा है, वो 3 जन्म का पता लग जाता है सबके, 3 जन्म का तो हमें हमारे जैसे को पता लग जाता है, ये पता लग जाता है कहाँ से तो ये आया, क्या ये है और कहाँ ये जाएगा। तो इसलिए अपना सुधार करना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, अच्छी संगति। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या बता रहे, कार्यानुमेय, कार्य से ही इसका अनुमान होता है माया का, वैसे पकड़ में नहीं आती है, कार्य से ही अनुमान होता है। ऐसा जो सुधिया, सुधिया माने जो बुद्धिमान लोग हैं, तत्वज्ञ लोग हैं, ऐसा वे अनुमान करते हैं। माया ऐसी जो ये माया है, तो कार्यानुमेया एवा, कार्य से ही जिसका अनुमान हो सकता है, और किसी तरह से जिसका अनुमान या जो नहीं जानी जा सकती, और नहीं जानी जा सकती, कार्य से ही जानी जाती है, कौन, माया।
ऐसी जो माया है। और आगे अब क्या बतला रहे, यया इदं सर्वं जगत प्रसूयते, जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है और स्थित है और क्षय को प्राप्त होता है और नष्ट हो जाता है, सब किसके द्वारा, माया, सब माया से। इस जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति और जगत का लय किसके द्वारा है और किसमें है, माया के द्वारा है और माया में ही है, ब्रह्म में इसका छींटा भी नहीं रहा। जैसे जल के द्वारा जो भूमि का तल है वो क्या होता है, गीला होता है, लेकिन जो मरुभूमि में जल दिखता है, सरोवर भरा हुआ, तो वहाँ पर रेत का एक कण भी गीला होता है क्या, नहीं गीला होता है। तो वैसे ही अधिष्ठान है ना रेत, उसमें भास रहा है, वैसे ही ब्रह्म रूप अधिष्ठान में माया से ये जगत प्रपंच भास रहा है, लेकिन माया से भास रहा है और माया से ही क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। ब्रह्म में जगत की गंध तक भी नहीं, ब्रह्म में जगत की गंध भी नहीं, गंध हो ना थोड़ा सा, चीज तो हटा ली पर कहते भाई बांस है अभी, गंध भी नहीं। तो ऐसा ये माया का स्वरूप समझ लो। अव्यक्त नाम वाली परमात्मा की अनादि परात्रिगुणात्मिका अविद्या शक्ति जो है, यही क्या है, माया। कार्य से ही इसका अनुमान किया जाता है। जो स्थूल बुद्धि लोग हैं ना, जो संसारी स्थूल बुद्धि अज्ञानी होंगे, जो संस्कार विहीन होंगे, वो नहीं समझ पाएंगे इस बात को। सुधिया जो बुद्धिमान लोग हैं वो बतलाते हैं, अव्यक्त नाम वाली परमात्मा की जो पराशक्ति, त्रिगुणात्मिका पराशक्ति है, अनादि अविद्या, वही माया है। कार्यानुमेया, कार्य से ही इसका क्या होता है, अनुमान होता है। यया इदं सर्वं जगत प्रसूयते, और जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत क्या होता है, तो माया से हो रहा है, माया में, माया से सब हो रहा है। और इस बात को समझ ले कि मैं साक्षी तो असंगी, भ्रांति तो हो गई भाई, उपाधि में चेतन का जो आभास पड़ा, अपने आप को वो आभास मानने लग गया। उपाधि क्या है, माया का कार्य, अविद्या क्या है, माया का कार्य है ना। देखो शुद्ध सत्व रूपा जो है उसको कहते माया, और जो मलिन सत्व रूपा है उसको कहते अविद्या। परिश्रम करना पड़ता है, ये सत्यनारायण की कथा नहीं है, ये जो ज्ञान है ना ये सत्यनारायण की कथा थोड़े ही है, ये गुरुवार की कथा क्या करती है, गुरुवार को क्या कथा करते हो, अच्छा गुरु जी की, देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज, अच्छा हाँ, तो ये कथा नहीं है, इसमें परिश्रम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है कि अविद्या क्या है और माया क्या है, और अंतःकरण उपाधि स्वीकार की है, लेकिन अंतःकरण की उपाधि स्वीकार करने में क्या आपत्ति है। आपका अंतःकरण तो अज्ञान सुषुप्ति काल में नहीं होता, तो तब जीव भाव नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए अंतःकरण को उपाधि मानते हैं, लेकिन फिर अज्ञान उपाधि मानना पड़ता है कि जीव की उपाधि है अविद्या और ब्रह्म ईश्वर की उपाधि है माया। ईश्वर की उपाधि माया है और जीव की उपाधि क्या है, अविद्या।
ईश्वर जो है ईश्वर जरूर हो गया, लेकिन ईश्वर का ज्ञान लुप्त नहीं होता है। ईश्वर जगत सृष्टि का संचालन करने वाला जो है, लेकिन उसका ज्ञान लुप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी जो उपाधि है वो शुद्ध सत्व रूप है। जैसे किसी को ढक दिया है, शीशे से ढक दिया, पारदर्शी शीशा, अब वो ढका भी गया और ढका भी नहीं गया, ढका नहीं गया ना, कहने के लिए क्या है, ढका गया, और वैसे सब कुछ क्या है, साफ दिख रहा है ना, उसका ज्ञान तो नहीं ढका गया। वैसे ईश्वर की उपाधि माया है, वो शुद्ध सत्व रूप है, तो ईश्वर के ज्ञान को वो नहीं ढकती। तो ईश्वर समस्त ईश्वरता सबके ऊपर शासन करते हुए भी ये जानता है कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ईश्वर क्या जानता है, ना मैं कर्ता, ना मैं भोक्ता, ना मैं शास्ता, ना मैं नियंता, ना मैं सृष्टि की उत्पत्ति करता, ना मैं संहार करता, ना मैं स्थिति करता, ना मैं पालन करता। ईश्वर सब जानता है कि मैं तो चेतन हूँ, ब्रह्म। सारा कुछ करते हुए ब्रह्मज्ञानी की तरह, जैसे ब्रह्मज्ञानी होता है ना, तो ब्रह्मज्ञानी भी जगत का व्यवहार करता है तो वो भी, लेकिन वो मुक्त हो गया, अपने स्वरूप में स्थित है ना, ज्ञान दूर हो गया। लेकिन जीव की जो उपाधि है वो अविद्या है। अविद्या क्या हुआ, जैसे ढक दिया, कपड़े से ढक दिया, अब नीचे क्या रहे, पुस्तक है, क्या है, क्या नहीं दिखता नहीं ना, तो वैसे ही अविद्या से इस जीव की जो विवेक कहो, ज्ञान कहो, वो ढका गया, इसलिए ये नहीं जानता अपने आप को। इसलिए अपने आप को क्या कहता है, जीव मानता है, कर्ता भोक्ता मानता है, दुखी सुखी मानता है, जन्म मृत्यु वाला मानता है, इतना भेद है। जीव अज्ञान और ईश्वर ज्ञान। वैसी जो मनुष्य शरीर पा के जीव पना है, लेकिन सत्संग पहले कर्म और उपासना के द्वारा पात्रता का संपादन किया, परिश्रम किया, तप, ये रास्ता तप का है, ये मनुष्य जीवन मिला ही तप के लिए, ये किस लिए है, आराम करने के लिए नहीं है कि जो है वो करके और बस बैठ जाओ, परिश्रम तप करने के लिए मिला, तप करो, परिश्रम करो, जब भी मौका मिले हर समय तप करो, चिंतन करो, मनन करो, बुराइयाँ छोड़ो, सद्गुण अपनाओ, मोह छोड़ो, स्वार्थ छोड़ो, बुराइयाँ छोड़ो, हर समय तप, हर समय शरीर का जाओ शरीर, इंद्रियों का जाओ इंद्रिया, तप करने के लिए है, आराम करने के लिए नहीं। आराम तो फिर कर लेना, जब रास्ते में हो तब आराम करना चाहिए, बारिश आ जाए, ओले आ जाए, तूफान आ जाए, अरे घर जाके करना आराम, उससे पहले क्या मतलब है आराम करने, तो पहले आराम नहीं करना चाहिए, केवल तप, तप करते रहो, करो, और हाँ जब घर पहुंच जाए फिर क्या है, फिर आराम नहीं, आराम। तो वैसे ही अज्ञान जब तक ना हटे, जीव भाव जब तक गलित ना होवे, अपना जो अहम है, जीवत्व है, वो ब्रह्म में विलीन ना होवे, तब तक क्या करना चाहिए, तप करना चाहिए, तप हर समय तप ही करना चाहिए, है ना। तप तो बहुत करता है व्यक्ति, लेकिन सांसारिक स्वार्थ के लिए करता है ना, उस तप का कोई अर्थ नहीं, ठीक है, तप करे लेकिन अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपनी आध्यात्मिक, जप करे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, यज्ञ करे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, सेवा करे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, व्रत करे अपनी आध्यात्मिक, यूँ नहीं कि वो काम हो जाएगा तो मैं व्रत करूँगा, वो हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, उनका क्या मतलब, उनका कोई मतलब नहीं। अपनी आध्यात्मिक उन्नति होवे उसके लिए ही समस्त कर्म, भोजन करे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, वस्त्र धोवे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, वस्त्र पहने अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मकान बनाए अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, कि जिससे कि मैं अधिक चिंतन कर सकूँ, अधिक अपने आप को समय दे सकूं, इसलिए ना कि मैं अपनी बुराइयों को छोड़ सकूं, तो सारा काम आध्यात्मिक, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति ही उन्नति है, वही लाभ है, बाकी कोई लाभ नहीं है, बाकी कोई लाभ नहीं है। तो सब कुछ किसके लिए होना चाहिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति, सारे कार्य
तो ऐसा जो करते हैं तो क्या किया, जिन्होंने कर्म और उपासना के द्वारा पहले चित्त में संपादन कर ली पात्रता, और फिर ज्ञान के द्वारा क्या हो गया, जिनका अज्ञान हट गया है, ऐसे जो संत है, विवेकी है, वे जीवन मुक्त होकर के जगत में विराजमान है। जीवन मुक्त होते हैं मतलब अपने साक्षी स्वरूप में विराजमान रहते हुए और जगत दृश्य के साक्षी बने, विचलित नहीं होते, तटस्थ बने रहते, सहज बने रहते, असंग बने रहते हैं, निर्लेप बने रहते, सम और शांत बने रहते, समझे। तो ये तूफान उफान आते रहते और जाते रहते, इसे क्या है, हाँ, तूफान आते हैं जाते हैं, शरीर आते हैं जाते हैं, शरीर कौन से रहने वाले, कितने रखना चाहो तो नहीं रहेंगे और कितना ही भेजना चाहो तो जाएगी भी नहीं, जब तक इसके प्रारब्ध समाप्त नहीं होंगे, हैं। तो इसलिए इसमें नहीं, उनका तो यही होता है अपने स्वरूप चिंतन का ही प्रयत्न, जीवन मुक्त। तो समझ आया, ईश्वर जीव और जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञान। ईश्वर भी मुक्त है, जो जीवन मुक्त जो ज्ञानी है वे भी मुक्त है, और जीव जो है ये बंधन में पड़ा हुआ है, पता नहीं कहाँ कहाँ, अपने कर्म, अपने स्वभाव, अपने संस्कार, अपने विचार, अपनी भावना, अपने चिंतन, अपने निश्चय, अपनी श्रद्धा से पता नहीं कहाँ कहाँ भटकेगा ये जीव। तो देख लो, ऐसा विवेक किसी शरीर में सुलभ है क्या, ऐसे ग्रंथ, ऐसे सत्संग, ऐसा ज्ञान है क्या कहीं किसी योनियों में सुलभ, किसी देवताओं को भी सुलभ नहीं है ना। लेकिन भीड़ पैमाना नहीं होता है, इसके तो जिज्ञासु हजार में, लाख में, और सही सही कहा जाए तो करोड़ में, और सटीक कहा जाए तो अरब में, क्योंकि समस्त वासना का परित्याग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई झुनझुना नहीं है, समस्त वासनाओं से रहित होकर निर्वासनिक अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित स्थित, बच्चों का खेल तो नहीं है। लेकिन जो परिश्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, वे आगे भी बढ़ेंगे और वे पाएंगे, और निराश होने की जरूरत नहीं है। वो कह दिया, जो लगे हुए हैं ना ईमानदारी से पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन अपनी लक्ष्य पर पहुंच नहीं पाए, तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, वे योग भ्रष्ट बन के पैदा होंगे, शीघ्र ही योगी के कुल में पैदा होंगे, जहाँ पर अच्छे संस्कार मिलेंगे, जहाँ पर संतों का सेवा, सात्विकता है, सहयोग, ऐसा वातावरण मिलेगा सुंदर, है ना। और वो शीघ्र से शीघ्र अध्यात्म में लग जाएंगे और बहुत शीघ्र ही क्या कर लेंगे, आत्मकल्याण कर लेंगे, ऐसे योग भ्रष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए किया हुआ निष्फल नहीं जाएगा, आदि तो कुछ है नहीं, अच्छा किया हुआ, थोड़ा मिले ज्यादा मिले ईश्वर आदि हानि तो कुछ है नहीं ना, थोड़ा किया हुआ, ज़्यादा किया हुआ, अच्छा किया हुआ, बुरा किया हुआ, मिलना अपना ही, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तो क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण, कहते हैं कि अर्जुन शंका मत कर, डर मत, चिंता मत कर, जिसने थोड़ा भी सत्कर्म किया है, साधना की है, तो उसका विनाश नहीं होगा, अगले जन्म में वो वहीं से आगे बढ़ेगा, वहीं से आगे बढ़ेगा। जो कक्षा पढ़ रहे थे ना आगे, उसी कक्षा से बढ़ोगे ना, हाँ तो वैसे। लेकिन पुरुषार्थ करना पड़ता है, यूं ही नहीं, अन्यथा पता नहीं कौन से जन्म के संस्कार वासनाएं आएंगी और पता नहीं किसी ओनी में पटक देंगे ले जा करके। पुरुषार्थ करना पड़ता है, केवल यही लक्ष्य हो, इसी में पुरुषार्थ। अच्छा जी, देखो देख लो, तो समय भी हो गया, माया है ना, माया से निकलना इतना आसान थोड़ा है, हैं। तो माया का बता रहे हैं ना, एक घंटा हो गया। तो अव्यक्त नाम वाली
परमात्मा की जो पराशक्ति है, अनादि अविद्या त्रिगुणात्मिका रूप, जिसका कार्य से ही जिसका क्या होता है, अनुमान। ऐसा बुद्धिमान जन अनुमान करते हैं, और यया इदं सर्वं जगत प्रसूयते, जिसके द्वारा संपूर्ण जगत उत्पन्न। ब्रह्म में आश्रित, ब्रह्म में कल्पित, इस माया के द्वारा ही सारा जगत उत्पन्न। और इसी को अज्ञानी सत्यमान करके और देहे गेहे में आसक्त होकर और विषयों में आसक्त होकर और पाप कर्मों में आसक्त होकर अत्यंत क्लेश को प्राप्त होता है। इसके क्लेश का जो बीजारोपण है वो इसने किया है। अब दोष देता है कभी ईश्वर को, कभी जो है ब्रह्मा को, और कभी अड़ोसी पड़ोसी को है, कभी बाल बच्चों को, और कभी कहते तूफान ने कर दिया, और कभी कहते कोरोना ने कर दिया है। किसी ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया सो तूने किया, किसी ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है सो तूने किया है। तो इसलिए सब कुछ इसी का किया था, तो भटकता रहता है। और ये अज्ञान दूर हो जाए तो ऐसी ये माया का स्वरूप है, यही जगत का कारण है, और इसी में फंसा रहता है ये। और इस बात को समझ ले कोई इतना विशाल हृदय वाला है ना, बहुत विशाल हृदय चाहिए। अब तो यदि भोजन के दूसरा हो तो भोजन करो, अरे भाई वो क्या तेरे मुंह में डालेगा कि वहाँ चलना है, वो क्या तेरे गोद में उठा के ले जाएगा। दूसरा चाहिए, क्या चाहिए, हाँ भाई जिसको दूसरा चाहिए ना, उसको तो बस भगवान ही जाने, उसको कोई नहीं चाहिए, किसी की जरूरत नहीं। कहाँ जरूरत है, कहाँ जरूरत है, किसकी जरूरत है, क्यों जरूरत है, और कब जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। कि महाराज रोटी क्या, रोटी साधु का क्या, भिक्षा मांग ले रोटी, क्या अपने आप बना ले रोटी, में कौन सा पहाड़ है, तो किसी की जरूरत नहीं है। अब आश्रम में यही तो होता है, लोग समझने लगते हैं कि हमारी जरूरत है। अब ये बताने रहे तेरे जैसे तो यहाँ बड़े बड़े योद्धा चले जाते हैं, हैं बड़े बड़े महावीर आते हैं, सब चले जाते हैं, यहाँ ऐसे चलता किसी की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ किसी की जरूरत नहीं है, चलता है। तो कहने का भाव है कि व्यक्ति को दूसरा चाहिए, ये दूसरा जिसको चाहिए कमजोरी है, यही जीवत्व है, यही आसक्ति, यही राग है, यही मूढ़ता है, कोई नहीं चाहिए, क्या करना है। महात्मा लोग कहते थे बीमार घर पड़ जाइए कोई ना हो तीमारदार, यदि बीमार हो जाए ना तो कोई देखने वाला ना हो, हाँ सेवा करने वाला ना हो, दवाई देने वाला ना हो, ऐसा होना चाहिए साधु को। क्या जरूरत है किसी की, क्या है, सब तमाशा देख रहा हूँ, शरीर में रोग है तमाशा देख रहा हूँ, बहुत पीड़ा हो रही है देख रहा हूँ, कष्ट हो रहा है देख रहा हूँ, सब तमाशा ही तो है। लेकिन नहीं, इस बात से मेरा तो पता ही नहीं लिया, मैं तो मर जाता है, इसका मतलब क्या है, कच्चा है नहीं, ये तो रास्ता ही अलग है, ये तो अलग रास्ता। चलो जी आज इतना ही रखो, बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे।